तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे उड़द की दाल के स्वादिष्ट दही बड़े। उड़द की दाल मैंने करीबन 4 से 5 घंटे पहले भिगो करके रख ली थी। उसके अलावा हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है दही, जिसे हमने घर पे फ्रेश जमा लिया था, नमक, मिर्ची, जीरा और ये खजूर और इमली की चटनी, ये पहले ही बना के रख ली थी। साथ में हम डालेंगे इसमें धनिया की स्वादिष्ट चटनी। तो चलिए हम शुरू करते हैं दही बड़े बनाना। सबसे पहले हम इस दाल को मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। देखिए, दाल ये अच्छे से पिस गई है अभी। अब हम इसमें 2 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे और तकरीबन 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। और अब हम गैस पर दही बड़े बनाएंगे। ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। देखिए, तेल गरम हो चुका है, मीठा सोडा और नमक हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है और हाथों को हमने अच्छे से साफ करके अब हम दही बड़े बनाएंगे। मीठा सोडा दही बड़ों को अच्छे से फुलाएगा और क्रिस्पी दही बड़े बनेंगे हमारे, इससे एकदम करारे चटपटे। आंच को हम ज्यादा तेज नहीं करेंगे, मीडियम लो आंच पे हम लोग इस पे देखिए दही बड़े हमारे सुनहरी ब्राउन कलर के हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अब हम इनको निकालेंगे अच्छे से, सावधानी से। कितने अच्छे लग रहे हैं ये। देखिए, हमने सब दही बड़े तल लिए हैं, किस तरह के गोल्डन कलर के एकदम क्रिस्पी नजर आ रहे हैं। साइज अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, मैंने मीडियम साइज लिया है, कुछ लोग बड़े दही बड़े बनाते हैं। तो अब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं दही और चटनी के साथ में। देखिए, दही बड़े की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हमने एक बाउल में ये पानी लिया है, इसमें हम ये दही बड़े थोड़े से भिगो देंगे और इधर हम प्रिपरेशन करेंगे दही बड़े बनाने की, दही चटनी और मसाले के साथ स्वादिष्ट दही बड़े। और इसको हम थोड़ा सा पानी को निकाल देंगे, हमारे दही बड़े एकदम तैयार हैं। ये चटनी डालेंगे, ये है धनिया और पुदीने की चटनी और ये इमली और खजूर की चटनी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये है नमक, आपके हिसाब से डाल सकते हैं स्वादानुसार। ये लाल मिर्ची और ये भुना हुआ जीरा। तो अब आनंद लीजिए दही बड़े का, मैं भी आनंद लेता हूं। देखिए कितनी
बढ़िया दिखाई दे रहे हैं इसके फ्लेवर्स। यम्मी। आप भी आनंद लीजिए।